हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व। आज हम देखेंगे वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, जो चैप्टर नंबर 13 है। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, जो आपके क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे, तो हर चैप्टर के ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बताएंगे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें कि आपके वो 10 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं, उसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ऑप्शन है 0, 1, 2, अनंत। तो सबसे पहले है एक वृत्त है, और एक वृत्त के एक बिंदु पर मान लो एक पॉइंट है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, एक ही खींच सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, चाहे यहाँ एक पॉइंट हो तो इस पर भी एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक वृत्त के अंदर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इसका मतलब एक वृत्त है और इसके अंदर कोई पॉइंट है, स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या है, वृत्त के ऊपर कोई पॉइंट होना चाहिए, अंदर हो तो अपने ये ऐसे लाइन खींच सकते हैं। तो ये छेदक रेखा तो है लेकिन स्पर्श रेखा नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 0, कि वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। थर्ड क्वेश्चन है, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये वृत्त है, इसके बाहर पॉइंट है, सर्किल के बाहर, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है, ऐसे कितनी स्पर्श रेखा है, ये 2, तो बाहर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से दें, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक वृत्त है और इस पर तक यहाँ भी खींच लो, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, यहाँ खींच लो, और भी खींच सकते हो, तो इसका मतलब इसका आंसर है अनंत, कितनी खींच सकते हैं, अनंत। इसमें और इसमें फर्क देखो, क्वेश्चन नंबर एक, इसमें एक बिंदु पर कितनी खींच सकते हैं, तो आंसर आएगा 1, और सीधा क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर कितनी खींच सकते हैं, तो आंसर है अनंत, इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मतलब एक वृत्त है, समांतर मतलब जो कभी नहीं मिलती, ऐसे कितनी हो सकती हैं, 2, जैसे ये 2 हो सकती हैं या ये 2 हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, वो सेम ही क्वेश्चन ऊपर वाला, कि कैसे वृत्त है और इससे 9 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट है, यहाँ से कितनी खींच सकते हैं, सेम ही आंसर आएगा, कितनी, 2, सेम का सेम ही है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2 वृत्त एक दूसरे को अंतर स्पर्श करते हैं तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी, उभयनिष्ठ मतलब होता है दोनों में कॉमन, साझा, जैसे एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त इसको अंतर स्पर्श करता है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी, तो उसके अंदर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितनी होगी, इसका आंसर है 1, कितनी होगी, 1। वृत्त को 2 बिंदुओं पर छेद करने वाली रेखा, छेदक रेखा, इसका मतलब एक वृत्त है और ऐसे इसको 1 और 2 पॉइंट हो गए, क्या कहते हैं, छेदक रेखा। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, जैसे ये वृत्त है और इसको ये यहाँ पर स्पर्श रेखा काट रही है, तो ये बिंदु को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है। 2 वृत्त स्पर्श करते हैं, यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्या 5 या 3 है तो उसके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी, 5 और 3, 8, ये तो नॉर्मल से। किसी वृत्त की त्रिज्या व स्पर्श रेखा के मध्य कितनी डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का, जैसे वृत्त है और ये इसकी त्रिज्या है और ये इसकी स्पर्श रेखा, अब देखो कितने डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है ना, 90 डिग्री का,
तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू चैप्टर नंबर 13 के हैं और नॉर्मल ऐसा आ सकता है, इसमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये ज्ञात कीजिए, तो नॉर्मल ये वही होगा, कर्ण स्केयर बराबर आधार स्केयर प्लस लंबा स्केयर। तो इसमें से दो दिया होगा, एक ज्ञात करना होगा, 169 में से 25 घटा लो, 144 रूट 12, तो ये हो गया 12। तो ये चैप्टर नंबर 13 का है एमसीक्यू, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।